तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे प्रिंस है, जो कि भाई 76 के साथ और वेंडी के साथ ना ये बाहर कहीं था और इसने कुछ तैयार कर लिया था, जिसको देखते हुए कहते भाई दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे सिटी का ना 40% मैंने स्टील यहाँ पे यूज कर दिया इसको बनाने के लिए। इसने बहुत बड़े तो बहुत ही बड़ा हॉल यहाँ पे बनाया था स्टील का। वो कहते अगर डेमोनिक बीस्ट का हमला हुआ, अगर बारूद तोपों से भी हमला हुआ ना, तो भी इसको तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेट्स गो अंदर। अंदर जैसे जाते 76 ना लाइट यहाँ पे ऑन कर लेती है और अंदर चले जा रहे थे। वेंडी कहती है प्रिंस मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती है, जब मैंने आपसे पूछा कि भाई आपने ये जो बनाया इसका नाम क्या है, आपने बोला थर्ड बॉर्डर, सच्ची में थर्ड बॉर्डर, मुझे इससे कोई लॉजिक यहाँ पे समझ ही नहीं आया। देखिए सबसे पहला बॉर्डर का तो भाई हमारा सिटी का है, तो फर्स्ट बॉर्डर वो हो गया और ये हो गया थर्ड, तो सेकंड बॉर्डर कहाँ हुआ? प्रिंस कहते कि वेल यार मुझे थर्ड बॉर्डर ये नाम यहाँ पे अच्छा लगा, क्योंकि भाई इस नाम में यहाँ पे मजा है। समझ गई क्या जो सुन दो कहती या, 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 या समझ गई आपको जो अच्छा लगता है रख लो। 76 से कहती भाई कि कभी कभार ना प्रिंस को समझ ही नहीं आता, कभी कभार ना लॉजिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते और कभी कभार ना लॉजिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। उसके बाद अंदर जा रहे और फाइनली पहुंच जाते जहां जाना था। ये बेसिकली बेस यहां पे था और वो सारी 400 साल पुरानी बीचेस यहां पे थी ना, जो कि अभी अजीब से अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के फॉर्म में यहां पे रहती है, उनके लिए इसने बनाया था। प्रिंस पहली बार ना उनसे मिलने के लिए जा रहा था, उनके पास जाते ही सामने से पाशा के पास जाते हो, कहते हेलो पाशा तुम ही हो ना, या पहचान सकता हूं। पाशा कहती हो तो सामने से तुलसी प्रिंस हो ना भाई, और बड़े बिंदास यहां पे आ रहे हो, ना डर रहे हो ना घबरा रहे हो, यहां तक कि 400 साल पहले जो वीचेस पहली बार मुझे देखती थी ना उनका मुंह निकल जाता था, लेकिन आपका नहीं निकला। गुड गुड और थैंक यू यार कि आपने इतना ज्यादा हम वीचेस को स्पेशली आगे था और 76 को सपोर्ट किया। तो जो लाल वाले वीचेस उनके पास थे उन उठी लाल आती कि भाई इसने क्या सपोर्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं किया, बस बड़ी बड़ी बातें इसने पे ली है। यार मैं तो कह रहा हूं भाई पापा चलो भाई इसके साथ है ना मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लीन उसको शांत करती हुई कहती भाई क्या गद्दारी कर रहे हो भाई, हमने सौदा यहां पे कर लिया है, पीछे नहीं हट सकते, समझ गए। सामने से वो भी शांत हो जाती है, अच्छा ठीक है भाई अब मैं यहां पे शांत हो गई। सामने से प्रिंस कहता है कि भाई क्या मतलब यार मैंने सपोर्ट किया भी ऐसा मत बोलो, ये तुम लोग कौन हो भाई, तुम लोग 400 साल पुरानी विचेस, एगता कौन है भाई तुम्हारी जैसी एक 400 साल पुरानी विच है, और एगता कौन है मैं तुमसे बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत पहले से मुझ पे विश्वास करती है, बहुत पहले से ही मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। शॉर्ट भाई बहुत पहले हमारे बीच में सौदा हो चुका था, जैसे एगता मिली थी ना उसी समय से, जो सुन रही ना पाशा भी कहती है ये बात तुमने एक्जेक्टली ठीक बोला, बहुत पहले से हमारे बीच में सौदेबाजी चालू है। प्रिंस कहता है गुड गुड या जो रिलिक है भाई, वो रिलिक भाई तुम्हारे पास है क्या, लेट मी शो। वो लोग कहते या आइए आइए। तो जो रिलिक था ना एक बहुत ही बड़े गॉड स्टोन के अंदर यहाँ पे रखा हुआ था। तो पीछे से नाइट गर्ल भी कहती संभल के प्रिंस ज्यादा आगे मत जाइएगा वरना दिक्कत हो जाएगा। प्रिंस ये पूछता तो अच्छा ये क्या रिलिक, ये लोग कहते यस ये वही है और हमने इसको गॉड स्टोन के अंदर बंद यहाँ पे कर दिया ताकि इसका रेडिएशन बाहर ना जाए, अगर रेडिएशन बाहर यहाँ पे गया आपके सिटी में जो नॉर्मल लोग यहाँ पर रह रहे ना उनका अफेक्शन यहाँ पे फैलेगा, और इसके बारे में जानने से पहले या फिर इसके और पास आने से पहले दो चार बातें यहाँ पे जान लीजिए ताकि भाई सेफ्टी का ध्यान रहे। जो सुंदर विंडी घर ऐसा घबरा जाती क्या इसका मतलब डेंजरस है क्या पास में जाने पे, जो सुंदर क्लीन सामने से कहती है कि वेल ये डेंजरस होगा अगर तुम अकेले इसके साथ रहोगे तो। जो सुंदर प्रिंस और भी कन्फ्यूज की अकेले इसके साथ रहने पे, मतलब सामने से ये पाछा समझाती है मतलब ये कि अगर तुम इसके पास अकेले गए और तुमने गुर गुर के यहाँ पे देखा ना तो एक रिएक्शन होगा और लिटरली भाई तुमको कुछ दिखाई देगा, और कॉमन आदमी हो सकता है, डेमोन भी हो सकता है, या कुछ भी फिक्शनल कैरेक्टर भूत या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जो कि इसके द्वारा ना समन हो जाएंगे, यानी भाई निकल के बाहर यहाँ पे आ जाएगा। तो कभी इसके पास अकेले रहना और ऐसी बुरी बुरी चीज़ें के बारे में सोचना भी मत, गलती से दिमाग में विचार भी मत लाना, उन चीज़ें ना क्रिएट होकर तुम्हारे सामने भी आ सकती है। हाँ तो जैसे प्रिंस सुनता ना इसको एहसास होता भी हमारे यहाँ ऐसा टीवी में प्रोग्राम आते थे कि जो भूत है ना वो टीवी से निकल के बाहर आ जाते हैं, तो कुछ सुनने में वैसा ही यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी अंदर से बाहर आ सकता है। फिर प्रिंस सामने से पूछता है हाँ लेकिन तुमने कहा कि अकेले रहोगे तब जाके ऐसा टेंशन होगा, लेकिन जब साथ में ढेर सारे बंदे होंगे तब नहीं होगा, ऐसा क्यों? जो सुनते ये लोग बताते हैं ऐसा इसके लिए, अकेले रहोगे ना ये तुम्हारा माइंड मैनिपुलेट कर देगा, कुछ भी यहाँ पे दम बुखला जाओगे और तुम होश में आओगे नहीं, लेकिन अगर आस पास और भी बंदे यहाँ पे रहेंगे ना तुम होश में यहाँ पे आ सकते हो और आराम से भाई मतलब होश में तुमको ला सकते लोग, तुम उसके जाल में नहीं आओगे। जो सुनते प्रिंस कहता है अच्छा ऐसी बात है कि यहाँ पे तो 5 लोग है, तुम्हें ऐसे कोई डेंजर की बात नहीं, मुझे देखने दो तुम होश में लाना अगर कुछ हो गया तो। जो लाल वाले कहती रुको यार एक और वार्निंग हमको यहाँ पे देना है, अंदर भाई तुमको जो स्टोन दिखाई देगा जो लिली का हमारा मैंने वो 4 पेंटिंग के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसमें से एक पेंटिंग यहाँ पे डेमन वाली भी है, तो भाई समझ भी रहे हो डेमन वाली पेंटिंग है कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो सामने से ध्यान देना। ये भी कहता है डेड शीट और कोई दिक्कत नहीं ना, सामने से वो हिल जाते भाई, हमको लगा वार्निंग सुन के भाई फटी फटेगी, ये तो डेड शीट बोल के इग्नोर मार रहा है। सामने से प्रिंस कहता है ओके ठीक है मेरी बात यहाँ पे सुनो ओपन करो मुझे यहाँ पे देखना है। मनी मन खुश है कि भाई जब सब लोग यहाँ पर है मुझे डेंजर से
बचा ही सकते हो, टेंशन क्या बात है भाई। ऐसे दुनिया में फिक्शनल और एडवेंचर चीज़ें मैंने महसूस कर लिया, अब जितना ज़्यादा मुझे एडवेंचर चीज़ें मिलेगी ना मज़ा ही आ जाएगा। हम तो वो लोग धीरे 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 ओपन करते हैं और समझाते हैं कि यहाँ भी सच्ची में महसूस करने के लिए किसके अंदर क्या पावर है। जो भी हम लोग कह रहे थे तुम इसके पास आकर ना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो प्रिंस पास में जा रहा था। वेंडी हाथ पकड़ के रुक देती है और कहती है प्रिंस मत जाओ यार, हमको गलत लग रहा है। प्रिंस कहता है डोंट वरी, अरे सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, हाथ रखो दिल पे होकर ऑल इज वेल, इतना बोल के निकल जाता है। जो लाल वाले बीच यहाँ पे थी ना 400 पुराणों के अंदर, वो सामने से ऐसा कहते कह रही है बहुत घमंड है भाई इसके अंदर, हम इसको इतना वार्निंग दे रहे कि भाई माइंड मैनिपुलेट हो सकता है, गुस्सा आ जाएगा भाई, बौखला जाओगे, हम यह बात चाहने लगे भाई जो डर है ना डर अंदर तुम्हारा रह जाएगा, लेकिन तो भी जा रहे हैं, जाने तो भाई इसकी यू बैंड बजेगी ना तब जाके इसका रिएक्शन देखने में मजा आएगा मुझे। जो सुनते सामने से ये क्लीन उस पर चिल्लाते कह रही है तुझे शर्म नहीं आती, मैं जब से देख रही हूँ जब से प्रिंस यहाँ पर है ना तो उनके बारे में ये ऐसी ऐसी बातें बोले जा रही है, ये और उन्हें सपोर्ट किया है। एक नॉर्मल सिकिंग होने के बाद भी ना हम विचेस की मदद करने को यहाँ पे तैयार है, वो स्नो माउंटेन एक्सप्लोर करने को तैयार है और चूजन वन भी ढूंढने को तैयार है। तुम ऐसी बातें बोलोगे ना वो नाराज यहाँ पे हो जाएंगे। पाशा सामने से कहती है हाँ, लेकिन वो इसको भी एक्सप्लोर करना चाहता है देखो जो कि सच्ची में डेंजरस यहाँ पर है, उसका क्या करें। जो सुंदर क्लीन यहाँ पे कहते कि भाई हमको स्टार्टिंग में उनको बता के लाना ही नहीं चाहिए था, वो यहाँ पर आते तो सामने से नहीं आते और नहीं देखते तो भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो सुंदर पाशा कहती लेकिन आ चुके देख लिया है, रिक्वेस्ट भी कर लिया और जाके यूज करने को भी तैयार है। अगर ऐसे टाइम पे हमने यहाँ पे रोक दिया ना वो सच्ची में हमसे नाराज हो जाएंगे, हो सकता है कोऑपरेशन भी हमारे साथ यहाँ पे ना करे, इसलिए मैं भाई उनका ट्रस्ट यहाँ पे जीतना चाहती हूँ। तुम ही उनकी जगह पे रहकर देखो कि भाई तुमको यूज करने का मन है और हमने तुमको रोक दिया था, तुमको भी गुस्सा यहाँ पे आता, कोऑपरेशन तोड़ देते और विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते, तो विश्वास पक्का करने के लिए मैं यूज करने के लिए अलाउ करती हूँ। जो सुने सामने से क्लीन कहती है लेकिन पर सामने से पाशा कहती पर वर कुछ भी नहीं, अरे बाई चांस कुछ गड़बड़ हुआ हम है ना भाई, हम उनको होश में यहाँ पे लेकर जाएंगे, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है, और उनको कहें कि हाँ भाई ये बातें छुपाना बाहर मत बताना। ये लोग कहते हैं हाँ, लेकिन उनके साथ जो दो विचेस यहाँ पर आई हैं वो लोग अगर बाहर जाके बता देंगे तो वो हमारी विचेस नहीं ना है। जो सुनते पाशा कहती है डेट्स नॉट अवर प्रॉब्लम, हम उसके बारे में चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, जो हो रहा है होने दो, एंड देन ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।